वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस और ये जीके एंड करंट अफेयर्स की पार्ट 3 है। इसमें हम लोग बिहार बजट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और बिहार बजट से एक दो क्वेश्चन तो निश्चित ही रहने वाला एग्ज़ाम में, क्योंकि बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए, स्टार्ट करने से पहले एक दो कन्फ्यूज़न है लोगों की वो क्लियर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक तो लोग अभी तक सिलेबस कर रहे हैं, सिलेबस करना छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप लोग NVS और KVS के सिलेबस से स्टेट के सिलेबस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। NVS और KVS सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, और स्टेट का जो है वो लेवल बहुत कम रहता है। अगर आपके आसपास कोई भी प्लस टू हाई स्कूल है तो आप कोई भी कंप्यूटर टीचर से जाकर बात कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है एक सर से, उन्होंने बताया है कि पिछले बार तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा लेवल ऊपर किया जाएगा क्योंकि कंपटीशन हाई है। ओके, और एक तो ये कन्फ्यूज़न है लोगों की सिलेबस वाली, तो आप लोग सिलेबस का कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। जितना मैं बताई हूँ वो काफ़ी है, वो अगर उतना भी आप कर लेते हो तो आप 110-115 मार्क्स टोटल इजीली सिक्योर कर लोगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर सुशील मोदी प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ हाउ मैनी क्रोर्स दिस ईयर। जो बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, तो जो बिहार के अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं सुशील मोदी। तो वो बजट पेश किए, तो वो टोटल बजट कितने का था? 2,501 करोड़, ये हो गया टोटल अमाउंट। द फिस्कल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.8% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। कितना फिजिकल डिफिसिट होने रहने वाला है? 2.81%। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स बजट बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड 20,309 करोड़ ऑन एडुकेशन डिपार्टमेंट। एडुकेशन डिपार्टमेंट पे कितना खर्च होने वाला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा, 20,309 करोड़। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स बजट बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड 5,149.45 करोड़ ऑन हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया है? 5,149.45 करोड़। ये सब डेटा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये याद रखना। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर बजट द बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड 4,583 करोड़ इन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में कितने करोड़ का एलोकेशन है? तो 4,583 करोड़। इन दिस ईयर्स बजट 280 ब्लॉक्स ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स, 24 जिले के 280 ब्लॉक को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है। तो आप लोग ये नंबर याद रखना। 1,074 करोड़ विल बी स्पेंट फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ का एलोकेशन हुआ है? 1,074 करोड़। दिस ईयर अंडर द दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवरी फार्मर विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा? सारे फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी गवर्नमेंट के तरफ से। फॉर दिस कितना करोड़ का एलोकेशन हुआ है? 5,827 करोड़ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। 207 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द 2019-20 गर्ल साइकिल स्कीम। गर्ल साइकिल स्कीम के लिए कितना एलोकेशन है? 207 करोड़। और 274 करोड़ किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। तो ये सब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है डेटा, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो फिक्स आने वाला है।
14,352 crore हैज़ बिन सैंक्शनड फॉर द सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना सैंक्शन किया गया है? 14,352 crore. एंड रुपीज़ 2,374 crore फॉर द मिड डे मील. मिड डे मील तो आप लोग जानते ही हैं, स्कूल में, मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में दिया जाता है, तो उसके लिए कितना है? 2,374 crore. अंडर द चीफ मिनिस्टर गर्ल चाइल्ड ड्रेस स्कीम, जो लड़की लोग को ड्रेस दिया जाता है स्कूल की तरफ से, द अमाउंट गिवन टू परचेज द ड्रेस, पहले कितना दिया जाता था? 1,000 दिया जाता था, अब 1,500 मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. आईटी पार्क विल बी बिल्ट इन बिहटा एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 91.70 crore. बिहटा में एक आईटी पार्क बनने वाला है, उसके लिए कितना एलोकेशन हुआ है? 91.70 crore. तो जगह याद रखना है और अमाउंट याद रखना है. मेडिकल कॉलेजेस टू बी ओपेंड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. 11 डिस्ट्रिक्ट है. हाँ, वो 11 डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है. वो एक दो डिस्ट्रिक्ट जो है नहीं जो एग्ज़ाम में पूछेगा. 11 डिस्ट्रिक्ट है और 11 डिस्ट्रिक्ट का कभी भी एग्ज़ाम में नाम नहीं पूछेगा. तो बस आप याद रखना कि कितने डिस्ट्रिक्ट में नया कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज. 14,833 crore हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम. आप लोग को पता ही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रहा है बिहार में, तो उसके लिए कितना एलोकेशन है? 833 crore. 335 crore हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर आयुष्मान भारत योजना. आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना एलोकेशन हुआ है? 335 crore. 5,540 crore हैज़ बिन सैंक्शन टू मेक द PMCH अ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल. PMCH को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए कितना करोड़ का एलोकेशन है? 5,540 crore. अ बजट ऑफ रुपीज़ 1,603 crore वॉज प्रेजेंटेड फॉर द प्रीवियस कैटेगरी. ये सॉरी, यहाँ प्रीवियस गलती से लिखा गया है. बैकवर्ड कैटेगरी के लिए कितना बजट का एलोकेशन हुआ है? पिछले वर्ग के लिए 1,603 crore का एलोकेशन हुआ है. फिर नेक्स्ट, 620 crore हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 4 smart cities. 4 smart cities के लिए 620 crore का एलोकेशन हुआ है. अब इसमें आप नाम याद रखना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है. पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बिहार शरीफ, ये 4 cities के लिए 620 crore का एलोकेशन हुआ है. देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ रुपीज़ 100 crore फॉर अर्बन ड्रिंकिंग वाटर. शहरी पेयजल के लिए 100 crore रुपए का प्रावधान है. 390 crore विल बी स्पेंट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन. कितना इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन, उसके लिए 390 crore का एलोकेशन किया गया है. ये 20 question हो गया. ओके, और आप लोग प्लीज़ सिलेबस करना बंद कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है. और लेवल के लिए भी आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहे क्योंकि एग्ज़ाम लेवल कम रहने वाला है. आप लोग NVS KVS से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग ही पछताओगे कि हम लोग क्यों उस लेवल का पढ़ाई किए और बेसिक लेवल किए ही नहीं और बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन आएगा. तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो आपको C++ की इवनिंग में मिलेगी.